बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो जो हम अपने खद्दर के लिनन के कपड़े स्टिच करते हैं उनमें से छोटे छोटे पीस बचते हैं, जिससे 2-2.5 साल के बच्चे के आप इजली फ्रॉक या ऑल ओवर सूट बना सकते हैं। तो आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये खद्दर का सूट है, इसमें से ये कुछ पीस बचे हैं, ये देखें, ये इसमें से ये बॉर्डर बचा है, ये बॉर्डर के 2 पीस हैं, जो शर्ट के साइड से कपड़ा निकलता है वो वाला ये, और ये ट्राउज़र में से जो कपड़ा निकला है, ये मेरे पास लैस थी एक्स्ट्रा, ये मैंने किसी दूसरी सूट से निकाली थी, तो ये उसकी लैस है जो इसके साथ बहुत अच्छे से मैचिंग कर रही थी, क्रोशिया लैस है ये, तो इसको भी मैं इसमें यूटिलाइज़ करूँगी। तो ये देखें, ये ट्राउज़र की जो कटिंग करते हैं उसमें से कपड़ा निकलता है, ये वाला भी वही कपड़ा है जो ट्राउज़र की कटिंग में से निकलते हैं, 4 पैनल ये वाले हैं, और ये ट्राउज़र के ऊपर से कपड़ा निकला था ये वाला। तो इससे मैं बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक की स्टिचिंग करूँगी। तो ये देखें, इसमें से ये मैंने जो कपड़ा ऊपर से निकला है इसको मैंने ले लिया, तो इसमें से मैंने 7 इंच का एक पैनल बनाना है। तो ये देखें, ये मैंने 7 इंच पे रखा है ये वाला, और जो फ्रंट का मैंने पैनल बनाना है उस पर मैंने पेंटिक्स लगानी है, तो वो मैं रखूँगी 10 इंच, 10 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। इसकी लेंथ मैंने रखनी है 8 इंच, तो मैं 8 इंच पर निशान लगा लूंगी। चेस्ट की जो लेंथ मैंने रखी है वो मैंने 8 इंच रखी है। ये 2 साल की बच्ची की मैं फ्रॉक रेडी कर रही हूँ। आपका सेंटर का पैनल है जो मैंने निकाला है अभी, तो ये देखिए, ये पैनल मैंने अलग कर लिया है, ये बैक का पैनल है, ये फ्रंट का पैनल है। तो अब इस पर पहले मैं 1-1 इंच के फासले पर इस तरह से बारीक बारीक पेंटिक्स लगाऊंगी, तो 1 इंच पर निशान लगा लूंगी मैं, ये 10 इंच है, तो इस तरह से 1 इंच पर मैं इस तरह निशान लगाऊंगी। ये देखिए, ये 1-1 इंच पर मैंने इस तरह से निशान लगा लिए। अब इस पर मैं इस तरह से उठाकर पेंटिक्स लगा कर आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए, मैंने इस पर पेंटिक्स लगा ली हैं। अब इसके साथ मैंने इसकी मेजरमेंट की, और 1 इंच मेरा एक्स्ट्रा बचा था उसकी मैंने साइड से कटिंग कर दी। तो ये देखें, फ्रंट और बैक की चेस्ट के सेंटर पैनल तैयार हो गए, और अब इसके नीचे जो मैंने डिज़ाइनिंग करनी है, तो ये देखें, ये फ्रॉक के घेर की मैं लंबाई रखूँगी 13 इंच, तो यहाँ से मैं 13 इंच पर निशान लगा लूँगी, 1 इंच मैं फोल्डिंग के लिए रख लूँगी, तो यहाँ से मैं टोटल 14 इंच पर निशान लगाऊँगी। कटिंग कर ली, अब इसके साथ रखकर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। जस्ट इसमें से मैं सिलाई का मार्जिन रखूंगी, तो मैं इसको यहाँ पर रखकर इसके साथ यहाँ इस तरह से बराबर रखकर सिलाई लगाऊंगी पहले, बाद में मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो पहले मैं इसको इसके बराबर रखूंगी, पहले ये मैं एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर दूँगी। ये देखें, मैंने सिलाई लगा ली सेंटर में से, ये देखें जॉइंट इसके, तो ये लैस लगानी थी मैंने नीचे इस तरह से, तो आकर लैस से इसकी लेंथ की मैंने मेजरमेंट की। तो ये देखें, मैंने टोटल 14 इंच रखी है, लैस का मार्जिन इसके अंदर मैंने रख दिया, तो 14 इंच ये मैंने तैयार की है। ये देखें, अब इस पर मैं 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी, लगाने के बाद इसके साथ मैं इसको ज्वाइंट कर लूँगी। तो ये देखें, मैंने सेंटर का पैनल रेडी कर लिया, और टॉप की सिलाई मैंने ऊपर लगा दी। देखिए, फ्रंट और बैक के दोनों पैनल रेडी हो गए। अब ये वाले पैनल मैं इसके साथ ज्वाइंट करूँगी, जो हमने ट्राउज़र के नीचे से कटिंग के दौरान निकालते हैं ये वाले, ये देखिए। तब इनको मैं यहाँ से नीचे से रख कर इन पर सिलाई लगाऊंगी, पहले मैं दोनों पीस ये अलग कर लूँगी। तो यहाँ इस तरह से इसके ऊपर मैं सिलाई लगा कर इस तरह से इसको पलट दूँगी। तो इसी तरह से ये 4 पैनल मेरे पास हैं, ये देखें, 2 ये, तो ये देखें, ये पैनल मैं फ्रंट और बैक पर इस तरह से ज्वाइंट कर लूँगी। तो ये देखें, मैंने इसके साथ इस तरह से इसको ज्वाइंट कर लिया, और बैक पर भी सेम इसी तरह से मैंने, ये देखें, इसको सिल दिया दोनों साइड से। तो अब यहाँ पर आप ज्वाइंट लैस लगा लें, या कोई रफल बना कर लगा लें, या वैसे कोई लैस लगा लें, तो मेरे पास ये लैस है, मैं यहाँ रख कर लगा दूँगी, यहाँ इस तरह से रख कर दोनों साइड पर लगा दूँगी मैं।
राइट पर मैंने इस तरह से ये लेस लगा ली। तो अब पहले मैं बैग को सेट करके नीचे रखूँगी। तो देखिए मैंने इसको सेट करके रख लिया है दोनों पैनल फ्रंट और बैक। तो जितनी लेस की चौड़ाई है इतनी मैं नीचे दामन की चौड़ाई रखूँगी। तो ये देखें इसकी चौड़ाई 25 इंच है, 25 इंच। तो देखें 25 इंच थी लेस की चौड़ाई, तो 12.5 पर मैं निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से इस निशान को मैं इस तरह से सीधा कर दूंगी। 9 इंच मेरा तीरा तैयार है, तो मैं 5 इंच रखूंगी। फोल्ड करने के बाद ये 10 इंच हो जाएगा, 1/2 इंच मैं सिलाई का मार्जिन रखूंगी। तो यहाँ 10 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। तो इस साइड पर मैं 5.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ से 1/2 इंच मैंने कंधी को डाउन करना है इस तरह से। यहाँ से इस तरह से मैं इसको राउंड शेप दे दूंगी। तो चेस्ट इसकी 13 इंच तैयार है, तो मैं 6.5 पर निशान लगाऊंगी यहाँ पर। और 12 इंच इसकी फिटिंग है, तो जहाँ से मैं चेस्ट जितनी मैंने 8 इंच रखी थी, ये देखिए 8 इंच पर निशान लगाऊंगी। और यहाँ से मैं फिटिंग का निशान 6 इंच पर लगा दूंगी इस तरह से। ये चेस्ट का निशान लगा था, इस पर मैंने कट लगा दिया। तो यहाँ से मैंने इसको इस तरह से डाउन नहीं करना, मैं इसको इस तरह से सीधा ही रखूँगी। ये देखिए ये 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है, तो इसको इस तरह से यहाँ से फिटिंग नहीं करनी, बस इस तरह से इसको सीधा कर देना है इस तरह से। बस हल्का सा यहाँ से इतना सा बस इस तरह से कर्व सा देना है, ये देखिए इस तरह से। तो 2 इंच में चौड़ाई में निशान लगाऊंगी और 2.5 इंच में डीप में निशान लगाऊंगी। यहाँ से गले को राउंड शेप दे दूंगी इस तरह से। बैक की कटिंग करूंगी, 1.5 इंच में बैक पर निशान लगाऊंगी। तो यहाँ मैं कट लगा दूंगी बैक पर स्ट्रिप बनाने के लिए। तकरीबन 3-3.5 के करीब मैंने कट लगा दिया। तो ये देखिए गोल गला बन गया। अब इस पर मैं मगजी लगाऊंगी, या इसको कपड़ा लगाकर अंदर की तरफ मैं फोल्ड कर दूंगी। ये उसमें से कपड़ा बचा जो मैंने फ्रॉक का सेंटर पैनल रेडी किया था, तो उसमें से ये बचा हुआ कपड़ा है। इसके देखें इजीली बाजू बन जाएंगे। तो देखें 10 इंच मुझे बाजू तैयार चाहिए, ये 11 इंच बनते हैं। तो बाजू तकरीबन सर्दियाँ हैं, तो बाजू पूरे ही रखने हैं, इसलिए मैं सारे के सारे रख लूँगी, क्योंकि 1/2 इंच तो सिलाई में चले जाएंगे। और जो चढ़ाई मैंने इधर से इसकी रखी है, ये देखिए ये 6 इंच है, ये दोनों बाजू हैं। और ये वाला कपड़ा इसको आगे इस तरह से रख कर मैं थोड़ी सी इसके ऊपर यहाँ पर रख कर एक स्ट्रिप लगा दूँगी, कट मैं निकाल दूँगी। तो इस तरह से थोड़ी सी इसको मैं शेप दे दूँगी। तो ये इस तरह से मैं बाजू के ऊपर रख कर लगा दूँगी, ये देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर मैं ऐसे इस तरह से रख कर मैं लगा दूंगी। तो अब मैं आपको मुकम्मल करके इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी बचे हुए पीसेस की फ्रॉक बन के रेडी हुई है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ट्राउज़र और शर्ट में से थोड़ा थोड़ा बचे कपड़े से इतनी खूबसूरत फ्रॉक बन जाती है। तो देखें बाजू मैंने इस तरह से आपको बताया था, ये मैंने इस तरह से बना दी, ऊपर मैंने ये लेस लगा दी। ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी लुक है। तो देखें यहाँ पर भी मैंने एक लेस लगा दी थी, इस तरह से इसकी बस इतनी सी फिटिंग आती है, इस तरह से इसका घेर बनता है। अगर आपके पास कोई बॉर्डर है तो आप नीचे बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये बची हुई लेस थी, वही मैंने नीचे लगा दी। तो देखें फ्रॉक की लुक देखें आप, कितनी प्यारी फ्रॉक बनी है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये बचे हुए पीसेज में से होगी। तो इसकी बैक दिखाऊंगी आपको मैं, ये देखें इसकी बैक पर यहाँ पर मैंने इसके
ये एक हुक लगा दी थी इस तरह से ताकि बच्चे को गला पहनने में आसानी हो। तो बैक पर ये चुनट, ये देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, बहुत शुक्रिया। वीडियो देखने का, अल्लाह हाफिज़।